गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास 5. सो लेट्स बिगिन नाउ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बी पॉजिटिव. ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, लेकिन इस चैप्टर के थ्रू आज हम जानेंगे कि वास्तव में पॉजिटिव होना किसे कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं. Kingsley has said, "The men whom I have seen succeed best in life have always been cheerful and hopeful men who went about their business with a smile on their faces and took the changes and chances of his normal life like men facing rough and smooth alike as it comes." Kingsley Davis, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफर थे, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी सफल व्यक्तित्व को देखा है वो बड़े ही खुशहाल और बड़े ही आशावादी व्यक्तित्व के होते हैं. वो अपने लाइफ में आने वाले किसी भी चैलेंज को, किसी भी प्रॉब्लम को अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए फेस करते हैं और वो उन सिचुएशंस में ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो उनकी लाइफ की नॉर्मल सिचुएशंस हो. और ये जो एक एटीट्यूड है हमारा, किसी भी अपोजिट सिचुएशन में भी अपने आप को कंट्रोल्ड और पॉजिटिव रखने का, ये बहुत बड़ी बात होती है और हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इन लाइफ. अपनी लाइफ में चीज़ों की पॉजिटिव साइड्स को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है. यानी कि हमारी लाइफ में दोनों सिचुएशंस टाइम टाइम पे आती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम उसकी किस साइड को देख रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं. द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग शुड बी डेवलप्ड बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग लीड्स टू लॉस ऑफ करेज एंड होप. हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत बढ़नी चाहिए, यानी हमें पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो हमारे अंदर निराशा लाती है और हम आशावादी नहीं हो पाते हैं. इफ़ अ ग्लास इज़ हाफ फुल ऑफ वाटर, सम पीपल विल से दैट इट इज़ हाफ एम्प्टी एंड सम विल से दैट इट इज़ हाफ फुल. द लैटर आर द पीपल हु आर पॉजिटिव थिंकिंग. सॉरी, इट इज़ थिंकर्स. अगर एक ग्लास आधा भरा हुआ है तो कुछ लोग जो होते हैं वो उसे बताएंगे कि ये ग्लास आधा खाली है, वहीं दूसरे जो होते हैं वो कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है. तो इसमें से पॉजिटिव थिंकिंग किसकी है? जिसने बोला है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, वो जो लोग हैं वो उसकी ब्राइट साइड को देख रहे हैं और उनका ये जो विचार है कि ये आधा भरा हुआ है, ये उनकी पॉजिटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है. There was a large manufacturing company that suffered huge losses. The sales manager of the company called upon the sales representatives of his company for a conference. Underline the word representative, manufacturing and conference. एक बहुत ही बड़ी manufacturing company रहती है, यानी वो चीज़ें manufacture करती है. वो बहुत बड़ी कंपनी रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, तो उनका जो सेल्स मैनेजर रहता है उस कंपनी का, वो सारे सेल्स को जो उसके एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको बुलाता है एक कॉन्फ्रेंस के लिए. द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. द सेल्स मैनेजर टैग्ड अ लार्ज पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द डिस्प्ले बोर्ड. एट द सेंटर ऑफ द पेपर ही मेड अ ब्लैक डॉट. वो जो कॉन्फ्रेंस रहती है वो बहुत ही छोटी और साधारण रहती है. उनका जो सेल्स मैनेजर था वो कॉन्फ्रेंस में डिस्प्ले बोर्ड पर एक बड़ा सा वाइट पेपर लगाता है और उसके बीच में एक छोटा सा काला डॉट रख देता है. द सेल्स मैनेजर आस्क्ड देम वन बाय वन, व्हाट डू यू सी ऑन द पेपर विच हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड. तो उनका जो सेल्स मैनेजर रहता है वो उन सभी से एक एक करके पूछता है कि इस पेपर में आपको क्या दिख रहा है, उस पेपर पे जो उसने डिस्प्ले बोर्ड में लगा रखा था. एवरीवन रिप्लाइड अ ब्लैक डॉट. द मैनेजर रिपीटेड हिज क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट इज देयर एनीथिंग बिसाइड द ब्लैक डॉट दैट यू सी ऑन द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. सब उस अपने मैनेजर के क्वेश्चन का सभी एक ही जवाब देते हैं कि उन्हें एक काला डॉट दिख रहा है,
तो मैनेजर फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता है और कहता है कि आप ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें आपको इस ब्लैक डॉट के बजाय और कुछ भी दिख रहा है इस पेपर में। एवरीवन आंसर्ड टुगेदर, नो देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट द ब्लैक डॉट। और सभी एक साथ उत्तर देते हैं कि नहीं, इस पेपर में उस ब्लैक डॉट के अलावा और कुछ भी नहीं है। द मैनेजर सेड दिस इज़ स्ट्रेंज, दैट इज़ वाई यू डोंट सक्सीड इन योर एफर्ट्स। और ये उनका ये उत्तर सुन करके मैनेजर बोलता है कि ये आश्चर्यजनक है और यही कारण है कि आप लोग अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो रहे हैं। यू सी ओनली द ब्लैक डॉट वेयर एज यू शुड सी द वाइड वाइट स्पेस दैट सराउंड्स द ब्लैक डॉट। तो मैनेजर आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि आप सबको सिर्फ ये काला डॉट दिख रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा है जो कि इस काले डॉट को घेरे हुए है, और वो है वो चौड़ा सफ़ेद स्थान जो कि पूरे इस छोटे से काले डॉट को घेर के रखा हुआ है। वी मस्ट ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स। और इस बात से ये प्रूव होता है कि हमें हमेशा अब उस हर एक चीज़ की पॉजिटिव साइड को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो बैक टू योर टेरिटरीज एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो मैनेजर आगे बोलता है कि अब मैं चाहूँगा कि आप सब अपने क्षेत्र में जाएं और कठिनाइयों के बजाय अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, मतलब आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उनको ध्यान में रख कर के काम करिए। आई एम श्योर इफ़ यू फॉलो वॉट आई हैव टोल्ड और आवर कंपनीज सेल विल गो अप। और आगे मैनेजर बोलते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने आज आपसे कहा है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हमारी कंपनी जल्दी ही बहुत ऊपर पहुंच जाएगी और हमारी कंपनी को जो लॉस हो रहा है वो भी बहुत जल्दी भर जाएगा और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। और ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी आशावादी होना चाहिए। अंडरलाइन द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। इस चैप्टर में जो जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं वो आपको भी अंडरलाइन करने हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लाइफ में आशावादी होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ हमारे अगेंस्ट कोई सिचुएशन आ गई है तो हम उससे परेशान हो जाएं या फिर कोई गलत कदम उठा लें। ये हमारी लाइफ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ हमारे अगेंस्ट भी होती हैं। हर टाइम अगर हमारे पास सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ हों तो सोचो आप कि हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। हमारी लाइफ जो है वो वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती चलती रहती है और एक्चुअल में उसी का हमारी लाइफ में आनंद है, उसी का मज़ा है। आप सोचो अगर जिस दिन हमारी लाइफ स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगी तो क्या उसमें कोई मज़ा रहेगा, कोई एंटरटेनमेंट रहेगा? जो हमारे पास वेंटिलेटर मशीन होती है डॉक्टर्स के पास, उसमें भी देखो तो इंसान तभी तक ज़िंदा रहता है जब तक उसमें वेव्स शो होती हैं। जिस टाइम पे वो वेव्स लाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं उस टाइम वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये लाइफ है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होना, सिचुएशन की पॉजिटिव नेगेटिव होना वो होता रहेगा। ज़रूरत है कि हम अपने आप को कंट्रोल्ड वे में उसके अकॉर्डिंग ढालें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।